अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। आइए इंग्रेडिएंट देखते हैं जिसके लिए हमें चाहिए। कीमा मैंने लिया है 1.5 किलो, प्याज 1 किलो, ग्रीन चिली 1/2 पाव और 1 बंच मैंने धनिए का लिया। 1.5 पाव मैंने बेसन लिया है। 2.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया। 3 टेबल स्पून मैंने ग्रीन कुटा हुआ धनिया लिया। 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टेबल स्पून मैंने अनारदाना और 12 अंडे। इसमें अंडे ज़्यादा जाएंगे इसलिए ये नाइस सॉफ्ट सा मॉइस्चर सा बनेगा। आइए अब इस सब इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा देखा मैंने चर्बी वाला लिया है। कबाब्स के लिए चर्बी वाला कीमा सबसे बेस्ट होता है, उसके कबाब बहुत नाइस बनते हैं। अभी प्याज डालते हैं। बेसन, ग्रीन चिली, सॉरी प्याज बताने का याद नहीं। इस तरह करके प्याज को चॉप करना है मोटा मोटा सा। मैंने अंडे तोड़ के भी सारे शामिल कर दिए हैं। अभी हम इसको मिक्स करते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बस ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बस अब हम इसको छोड़ देंगे और हम कबाब बना लेंगे। आपकी मर्जी है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करना है तो आप और ऐड भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें 1.5 पाव शामिल की है तो काफी है। ठीक, चलें अब इसको फ्राई करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून फ्राई पैन में हम तेल डालेंगे। इसमें ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, कम तेल पे डाल के उसको करेंगे। नमक या मिर्च आप लोग अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज्यादा, जिस हिसाब से आप खाते हैं। इसको स्लो आंच पे इसको भी पकाएंगे क्योंकि कीमा कच्चा है, फिर अंदर से सही तरह उसको पक जाए, ऊपर से जले भी ना।
डालते हैं। अभी रमजान में भी बनाए तो बहुत नाइस, आप ताजा कीमा लेके उसके बना के बहुत मजा आता है, बहुत नाइस लगते हैं। रमजान में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे चप्पल पाप होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मोटे रखते हैं, पीस को इतना मोटा तो नहीं रखते, इसलिए फिर ये जल्दी बन जाते हैं। बस ये हल्का सा और लगे तो उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने नाइस रेडी हुए हैं, आप भी बनाएं और सबको खिलाएं। मेरी रेसिपी प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, उस तरह आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.